Welcome in your class, first of EVS. Hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 5 of EVS. Take out your book. Open lesson number 5, Food We Eat. What is the name of this lesson? Food We Eat. Okay, there is a little girl who is asking her father, okay? यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल है, वो अपने पापा से कुछ पूछ रही है. क्या पूछ रही है? पापा, वाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड? पापा, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? है ना, सुरभि ने अपने पापा से कहा कि पापा, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो उसके पापा ने आंसर किया, सुरभि, वी शुडंट ईट जंक फूड बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सुरभि, हमें जंक फूड नहीं ईट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. रिमेंबर, वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन एंड यू हैव टू पुट योर फिंगर. ओके, ऑल ह्यूमन बींग नीड फूड टू लाइव. जो भी ह्यूमन बींग है, जो भी पर्सन है, उसको उनको लाइव लिविंग के लिए, है ना, अपनी लाइफ के लिए फूड ईट करना, फूड की ज़रूरत होती है. फूड गिवर्स एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. हेल्पर्स ग्रो, ये हमें ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है. ये हमें बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है. पीपल हु ईट फूड्स एंड वेजिटेबल्स, लोग जो वेजिटेबल्स और फूड ईट करते हैं, एंड डोंट ईट फिश एंड मीट. वो लोग जो वेजिटेबल और फ्रूट ईट करते हैं, मीट और फिश ईट नहीं करते, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन, उनको वेजिटेरियन बोलते हैं. पीपल हु ईट मीट एंड फिश, वो लोग जो मीट और फिश ईट करते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन फूड, देखो वेजिटेरियन फूड कैसा होता है, पीस, पम्पकिन, जितने भी वेजिटेबल्स होती है ना, और जितने भी फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना और पल्सेस, कीरल्स, ये सब आते हैं वेजिटेरियन फूड में. जबकि नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या क्या आता है, चिकन, फिश एंड मीट, ये सब आता है नॉन वेजिटेरियन फूड में. आगे देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के सोर्सेज, मतलब फूड हमें किससे मिलता है. ओके, तो किन किन से मिलता है फूड? फूड के मेन सोर्स हैं, द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड वेजिटेबल. प्लांट और वेजिटेबल हैं, ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट. प्लांट से क्या क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, पल्सेस, ईडेबल ऑयल, ऑयल मिलता है ना, ये सब हमें मिलता है प्लांट्स से. और एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल्स से हमें मिलता है एग, फिश, मीट, मिल्क, बटर, चीज़, ये सब हमें मिलता है एनिमल्स से. और जंक फूड क्या होते हैं? हाँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, क्या, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, ये सब जंक फूड होते हैं, है ना. अब आगे देखिए, यू हैव टू पुट योर फिंगर. ओके, इट इज़ नॉट एट ऑल न्यूट्रिशियस. जंक फूड जो होते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं. ओके, इनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं. इनफैक्ट इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. इनफैक्ट क्या होता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल यानी नुकसान वाले होते हैं. देखिए, गिवन बिलो इन द फूड चार्ट, यहाँ पे एक फूड चार्ट दिया हुआ है, इसमें फास्ट भी हैं, मतलब जंक फूड भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल भी है, और हमें इस टेबल में उनको अलग अलग करना है. एप्पल फ्रूट में आएगा, एप्पल, ठीक है. नेक्स्ट पम्पकिन वेजिटेबल में, और जंक फूड में पिज्ज़ा, बनाना फ्रूट में, कैबेज वेजिटेबल में, नूडल्स जंक फूड में, इस तरह से हमें इनको सेपरेट करके इनके नेम्स को स्टेबल में रखना है. और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हाँ, इस एक्टिविटी में देखना है कि यहाँ पे गॉट है और यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, यहाँ पे ग्रास है और यहाँ पे गॉट है. तो ये जो गॉट है, ये ग्रास तक कौन से रूट से, ग्रास तक कौन से रूट तक पहुँचेगी, तो उस रूट को हमें यहाँ फाइंड करना है. पेंसिल से आपको उसको फाइंड करके और यहाँ पर मेंशन करना है. अब देखिए, हेल्दी फूड हैबिट्स, कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स होती है, जैसे वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करना. ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाओ उसके बाद अपने टीथ को ब्रश करना. और कौन
कौन सा है? ईट फ्रेश हेल्थ एंड हेल्दी फूड. हमेशा फ्रेश और हेल्दी फूड ईट करना चाहिए. चू योर फूड वेल, और जब आप खाना खाते हो तो अपने फूड को प्रॉपरली चू करना चाहिए. और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये तो वो एक्टिविटीज़ थी जो हमें करनी चाहिए. और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो देखिए, बाय फूड फ्रॉम हॉकर्स, फेरी वालों से फूड नहीं लेना चाहिए. क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उनका जो फूड होता है वो अनकवर्ड होता है, और अनकवर्ड फूड्स पर फ्लाइज जब उड़ती है ना, तो वो अनकवर्ड फूड पर जाकर बैठ जाती है और अपने जर्म्स उस फूड आइटम पर छोड़ देती है. ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. थ्रो गार्बेज अराउंड, हमें गार्बेज को यूं ही अपने चारों ओर कहीं भी नहीं डाल देना चाहिए. गार्बेज को कहाँ डालना चाहिए? यस, वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. ओके, ईट अनकवर्ड ऑफ स्टेल फूड, कभी भी जो अनकवर्ड और जो खराब फूड जो होता है उसे ईट नहीं करना चाहिए. देखिए, स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट ईट करनी चाहिए, मतलब वो फूड ईट करना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना चाहिए अच्छी अमाउंट में, है ना, अच्छे अमाउंट में हमें पानी पीना चाहिए. टेक इनफ रेस्ट, रेस्ट करना चाहिए. और डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. टिप्स टू अवॉइड इलनेस, वो चीज़ें यूज़ करो जिससे आप कम से कम बीमार पड़ो. जैसे मैनी ऑफ अस फॉल इल एट टाइम्स, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ ईटिंग स्टाइल. और इसकी वजह क्या होती है कि हम खराब और अनहाइजेनिक फूड को ईट कर लेते हैं. वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स टू अवॉइड इलनेस, और अगर हम बीमार नहीं होना चाहते तो हमें ये जो थिंग्स बताई गई है इसे फॉलो करना चाहिए. कौन सी थिंग्स हैं? Always wash your hands well. अपने हैंड्स को अच्छी तरह साफ करो. With a soap before and after meal. सॉप के साथ, सॉप से अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश करो अपने खाने के पहले भी और खाने के बाद भी. डोंट ईट अनकवर्ड फूड, कभी भी बिना ढका हुआ भोजन, बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रोली, और जब भी मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके घर पे आते हैं, वॉश फ्रूट वेजिटेबल थ्रोली, है ना, तो जैसे ही आपके घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं तो उन्हें सबसे पहले आप उनको वॉश कीजिए. कुक फूड प्रॉपरली, है ना, और जो फूड है उसे अच्छी तरह पकाया जाए, है ना, ताकि वो रो ना रहे, कच्चा ना रह जाए. ओके, नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स देखिए. फूड वी ईट, है ना, फूड वी ईट चैप्टर का नेम इज नंबर 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सम चिल्ड्रन फॉल इल व्हेन दे ईट स्ट्रीट फूड, व्हाई? कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं जब वो स्ट्रीट फूड खाते हैं. स्ट्रीट फूड इज वन, हाँ, स्ट्रीट फूड क्या होता है? जो हॉकर से हम लेकर खाते हैं. तो कौन सा होता है, उसकी वजह से बच्चे बीमार क्यों होते हैं? सब चिल्ड्रन फॉल इल व्हेन दे ईट स्ट्रीट फूड, वो बीमार इसलिए हो जाते हैं बिकॉज, क्योंकि सम टाइम्स स्ट्रीट फूड इज नॉट कवर्ड. स्ट्रीट फूड क्या होता है? कवर्ड नहीं होता है. एंड फ्लाइज लेफ्ट जम्प्स ऑन इट, और जो मक्खियाँ होती है वो उस अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती है और अपने जम्स को वहीं छोड़ जाती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है. देखिए, what should we do बिफोर ईटिंग अ मील, हमें खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग अ मील, हमें अपना खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, राइट 3 फूड आइटम्स ऑफ वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन फूड होता है ना, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो कौन से आइटम्स को ईट करते हैं? जस्ट लाइक एप्पल, पीस, कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट देखिए, राइट 3 फूड आइटम्स दैट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड के कुछ आइटम्स के नेम लिखिए, 3 आइटम्स के, फिश, चिकन एंड मीट. नेक्स्ट देखिए, राइट 3 आइटम्स ऑफ जंक फूड. जंक फूड के 3 आइटम्स दीजिए. हाँ, वो तो आपको बहुत जल्दी याद होंगे, कौन कौन सा आइटम ईट करते हो? पिज्ज़ा,
पास्ता, बर्गर, है ना, लेकिन ये जंक फूड होते हैं, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते। व्हाई शुड वी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का आ गया, व्हाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमें जंक फूड इसलिए ईट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे माई स्टूडेंट्स, बाय।